और देखिए हम इस समय हैं मेरठ के भैसाली मैदान में, और इस समय आप देखिए कहीं कोई बस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, इक्का दुक्का बसें नजर आ रही हैं और आम पब्लिक किस तरीके से परेशान हो रही है। जी हाँ, सारी बसें रोडवेज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लगाई गई हैं। आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, कृषि खेल विश्वविद्यालय शिलान्यास के मौके पर वो मेरठ आए हुए थे, और जिसके चलते प्रदेश के हर जनपद से खिलाड़ियों को यहाँ मेरठ में बुलाया गया था, और इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं को भी देखिए किस तरीके से कितनी भीड़ इस बस में, भयंकर तरीके से लोग बाग परेशान। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के लिए कहीं कोई बस नहीं, काफ़ी लोग परेशान। देखिए किस तरीके से लोग बाग अपना अपना सामान लेकर परेशान हैं, और वो तो आज सबसे बड़ी गनीमत कि आज रविवार है, इसलिए ज़्यादा किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई दूसरा कार्य दिन होता तो बहुत भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ता लोगों को, लेकिन फिर भी इस समय लोग काफ़ी परेशान, जिसके चलते देखिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग परेशान। यहाँ ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, बिजनौर आदि की बसें खड़ी होती थी, लेकिन आज कहीं कोई बस नहीं। और यही हाल, देखिए सारे स्टेशन पूरी तरीके से खाली, आप देख सकते हैं बिजनौर, कोटद्वार, शामली, कहीं कोई बस नहीं। यह है मेरठ का भैसाली बस स्टैंड, जहां से प्रदेश के सभी जनपदों के लिए बसों की व्यवस्था की जा मिलती है। पूरी तरीके से लोग परेशान, पब्लिक सामान लेकर अपना इधर उधर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बस नहीं। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से, KP त्रिपाठी।